मैं शहजाद रसूल, आई एम ए फ्रीलांस प्रोड्यूसर डायरेक्टर। मैं पिछले 28 साल से काम कर रहा हूँ इस इंडस्ट्री में। इन्होंने हमारे इस कल्चर को अब मिसमार करने की कोशिश की है, एक सोचे समझी चाल है। कश्मीरी प्रोग्राम्स इन्होंने कश्मीरी चैनल से बंद किए और फीचर फिल्म्स को इन्होंने यहाँ मतलब ऑन एयर किया है। एवरी फीचर फिल्म चल रहे हैं। जो प्राइम टाइम हमारा कश्मीरी प्रोग्राम्स का होता था सुबह शाम के 7 बजे से 10 बजे 10:30 बजे तक, वो प्राइम टाइम इन्होंने फिल्म्स को दिया है। तो यहाँ पर इन्होंने पिछले कई सालों से लोकल केंद्र को बंद किया। लोकल केंद्र में कोई प्रोग्राम प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है, सारे प्रोग्राम्स बाहर से आ रहे हैं। कश्मीर चैनल के नाम से पैसा रिलीज हो रहा है वहाँ पे और वो बाहर के लोगों को दिया जा रहा है, बाहर के लोगों से प्रोग्राम्स खरीदे जा रहे हैं। हम दरखास्त करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, स्पेशली प्रसार भारती बोर्ड जो है हमारा और डीजी दूरदर्शन जो है वो जो यहाँ आई भी लास्ट टाइम, उसने हमारे साथ बात भी की थी। यहाँ पर हम इन हाउस को चालू करेंगे, कश्मीरी प्रोग्राम्स बनेंगे, कश्मीरी ड्रामाज बनेंगे। वो सारे वादे जो उसने किए वो बेबुनियाद निकले, उन वादों पर वो नहीं रही और वो वही कर रहे हैं जो उसको वहाँ दिल्ली के हुकाम कह रहे हैं। इंडियन कल्चर बंद करो, फीचर फिल्म बंद करो, फीचर फिल्म बंद करो। 2010 में हम सबों ने, जो भी प्रोड्यूसर्स हैं या आर्टिस्ट हैं, जो दूरदर्शन के लिए काम किया हमने, वो सॉफ्टवेयर अभी इनके पास डब्बू में बंद पड़ा है। इतने अच्छे प्रोग्राम्स हैं और जो हमारा कल्चर है उसको प्रमोट करने के लिए जो हमने प्रोग्राम्स बनाए थे वो आज तक टेलीकास्ट नहीं किए उन्होंने, ना ही आज तक उनकी पेमेंट हुई है। और जितने भी प्रोग्राम उन्होंने टेलीकास्ट किए हैं उनके भी ये पेमेंट नहीं दे रहे हैं और ना ही आज कोई नया प्रोग्राम बन रहा है। और आप हमारे आर्टिस्टों की हालत देखिए, जिन्होंने अपना पैसा जेवरात चाहे बैंक से पैसा लिया, प्रोग्राम्स में लगाया, लोन्स निकाले, फिल्म्स बनाई, लेकिन आज तक वो पैसा भी नहीं मिला। बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। इससे अच्छा है इस दूरदर्शन को ताला लगाया जाए और मैं चाहता हूँ कि मैं खुद इसमें ताला लगाऊँ। जब हमारा पैसा इधर फंसा है और आप पिक्चरें दिखा रहे हो उसका पैसा किसी और को दे रहे हो, तो कश्मीरी ये जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, एक्टर्स हैं या सिंगर्स हैं, जो भी हैं, मतलब जो इसके साथ जुड़े हैं, वो कहाँ जाएंगे।